इबादत में बिदत की अकसाम है ये। ठीक, पहली किस्म नफ्स से इबादत ही बिदत हो, जैसे कोई ऐसी इबादत ईजाद कर ली जाए जिसकी शरीयत में कोई बुनियाद और असल न हो। मसलन गैर मशरू नमाज, गैर मशरू रोजा या गैर मशरू ईदें, जैसे ईद मिलाद वगैरह। अब आप देखिए कि ये जो गैर मशरू नमाज है इसकी कोई मिसाल आपको मालूम है? कज़ाए उम्री, और रजब में भी एक नमाज होती है सलातुर रगाइब, रगाइब जी, यानी बाकायदा नाम के साथ एक नई नमाज का इजाफा, और उसका तरीका भी मुख्तलिफ, खुद साख्ता, यानी आम तरीके से मुख्तलिफ, यानी मखसूस किस्म की सूरतें और मखसूस तादाद में पढ़ने का हुक्म दिया जाता है। अब ये सारी नमाजें जो हैं, नमाजों की कितनी किस्में, यानी एक तो फर्ज नमाज है, ठीक है, और फिर उनके औकात भी मुकर्रर हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी। फिर ये है कि कुछ नवाफिल हैं जैसे तहज्जुद वगैरह हैं, फर्ज के अलावा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशरू हैं, साबित हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो मसलन रमजान में अदा किए, बेसिकली वो भी सलातुल लैल ही है जिसको तरावी कहा जाता है, पहले हिस्से में पढ़ी जाए तो तरावी कहलाती है और आखिरी हिस्से में हो तो तहज्जुद कहलाती है। इसके अलावा ईद पर नमाज पढ़ना, या जुमा की नमाज है, या दुहा है, या इस्तिस्का है, या कसूफ खसूफ है, ये तो हैं मशरू नमाजें। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसी नमाज पढ़े जिसका किसी हदीस में कोई नाम नहीं आया, कुरान में उसका कोई जिक्र नहीं है, सहाबा ने ऐसी कोई नमाज नहीं पढ़ी, तो ऐसी नमाज फिर क्या हो जाएगी? बिदत कहलाएगी, जो खुद से खुद हमने अपने ऊपर लाजम कर ली। दूसरी किस्म जो मशरू इबादत में ज्यादती की शक्ल में, यानी एक तो है कि नई नमाज निकालना, और एक ये है कि नमाज के अंदर कोई इजाफा कर लेना अपनी मर्जी से। नमाज मशरू है, मसलन जोर की नमाज है, लेकिन चार रकतों की बजाय पांच पढ़ने शुरू कर देना, जैसे कोई जोहर या असर की नमाज में पांचवी रकत ज्यादा कर दे। तीसरी किस्म जो इबादत की अदायगी के तरीकों में हो, ठीक है, तरीके में कोई खुद साख्ता चीज शुरू कर देना, यानी उसे गैर शरई तरीके पर अदा करे, जैसे मशरू अजकार और दुआएं इज्तिमाई आवाज और खुशी अल्हानी से अदा करना, यानी कट्ठे राग लगाकर दुआ मांगना। एक तो ये है ना कि आपको सिखा दी जाती, लेकिन वो सीखना है, वो मांगना नहीं। लेकिन अगर मांगने के लिए इबादत के तौर पर, एक है तालीम के तौर पर, वो मुख्तलिफ है, लेकिन इबादत के तौर पर अगर आप उसको ये समझ लें कि अगर सारे लोग मिल के राग लगा के मांगेंगे इकट्ठे कोरस में तो ज्यादा फायदा मंद होगी, तो ये गलत होगा, ये बिदत कहलाएगा। और जैसे अपने आप पर इबादत में इतनी सख्ती बरतना कि वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तजावुज कर जाए, यानी आपकी नमाज से आगे बढ़ जाए। चौथी किस्म जो मशरू इबादत किसी ऐसे वक्त की तख्सीस की शक्ल में हो जिसे शरीयत ने खास न किया हो, जैसे 15वीं शाबान की शब को नमाज और दिन को रोजे के साथ मखसूस कर लेना, क्योंकि नमाज और रोजे असलन मशरू हैं, लेकिन किसी वक्त के साथ खास करने के लिए दलील की जरूरत है। दीनी नुक्ता नजर से बिदत का हुक्म, दीन में हर बिदत हराम और बायस दलालत और गुमराही है, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दीन के अंदर तमाम नई पैदा की हुई चीजों से बचो, क्योंकि हर नई चीज बिदत है और हर बिदत गुमराही है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की वजह से भी कि मन अहदसा फी अम्रिना हाजा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन, इसका मतलब यह है कि इबादात और एतिकादात में बिदतें हराम हैं, लेकिन यह हुरमत बिदत की नौयत के एतबार से मुख्तलिफ है। बाज बिदतें सराहतन कुफर हैं, इसको शिर्क कहें तो ज्यादा बेहतर है, जैसे साहिब कब्र से तकर्रुब हासिल करने के लिए कब्रों का तवाफ करना और उन पर जबीहे और नजर न्याज पेश करना, उनसे मुरादे मांगना और फरियाद रसी करना, जैसे गाली किस्म के जहमियों और मोतजलियों के अकवाल। और बाज बिदतें वसायल शिर्क में से हैं, जैसे कब्रों पर इमारतें तामीर करना और वहां नमाज पढ़ना और दुआएं मांगना। बाज बिदतें फिस्क एतिकादी हैं, जैसे खवारिज, कदरिया और मुर्जिया के अकवाल
اور شرعی دلیلوں کے مخالف ان کے اعتقادات. بعض بدعتیں معصیت اور نافرمانی کی ہیں، جیسے شادی اور بیاہ سے کنارہ کشی اور دھوپ میں کھڑے ہو کر روزہ رکھنے کی بدعت. تو یہ مختلف درجے ہیں بدعتوں کے اندر بھی جو دلالت ہیں.